साल श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे मधुश्रवण तृतीया या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि हरियाली तीज एक के बाद एक त्योहारों के आगमन का दिन है। हरियाली तीज के बाद ही नाग पंचमी, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और नवरात्र आदि बड़े त्योहार आते हैं और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। हरियाली तीज व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हुए शाम को 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। ये व्रत सुहागिन व कुंवारी लड़कियां दोनों रखती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो वही कुंवारी लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 31 जुलाई दिन रविवार को तड़के 2:49 पर हो रहा है। ये तिथि अगले दिन 1 अगस्त सोमवार को प्रातः 4:18 पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के आधार पर हरियाली तीज 31 जुलाई को मनाई जाएगी। हरियाली तीज के दिन रवि योग बन रहा है। इस दिन रवि योग दोपहर 2:20 से अगले दिन 1 अगस्त को प्रातः 5:42 तक है। रवि योग में हरियाली तीज की पूजा करना उत्तम फलदायक रहेगा। वहीं इस दिन का शुभ समय या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 से लेकर 2:12:54 तक है। इस दिन राहु काल शाम 5:31 से 7:13 तक है। आपको बता दें कि राहु काल में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। इस व्रत में महिलाएं 16 श्रृंगार करके हरे रंग के कपड़े पहनती हैं। हरा रंग अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। इस दिन महिलाएं हाथों में मेहंदी जरूर रचाती हैं, क्योंकि मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। हरियाली तीज के मौके पर महिलाएं श्रृंगार कर एक जगह एकत्र होकर झूला झूलती हैं और सावन के मधुर गीत गाती हैं। आइए जानते हैं हरियाली तीज की पूजा विधि। इस दिन सुहागिन स्त्रियां स्नान आदि से निवृत्त होकर मायके से आए हुए कपड़े धारण करें। पूजा के शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ भगवान शिव और गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री, साड़ी, अक्षत, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। अब भगवान शिव को भांग, धतूरा, अक्षत, बेलपत्र, श्वेत फूल, गंध, धूप, वस्त्र आदि चढ़ाएं। इसके बाद भगवान गणेश की पूजा करें, फिर भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। इस दिन विधि विधान से पूजन करने के अलावा हरियाली तीज की कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए, तभी व्रत सफल माना जाता है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की कथा के बारे में। हरियाली तीज उत्सव को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कड़ी तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। कथा के अनुसार माता गौरी ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया था। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को वर के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। एक दिन नारद जी उनके घर पहुँचे और हिमालय से कहा कि पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं। यह सुन हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। दूसरी ओर नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुँच गए और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का निश्चय किया है। इस पर भगवान विष्णु ने भी सहमति दे दी।
नारद इसके बाद माता पार्वती के पास पहुंच गए और बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया है। यह सुन माता पार्वती बहुत नाराज हुई और पिता से नजरें बचाकर सखियों के साथ एक एकांत स्थान पर चली गई। घने और सुनसान जंगल में पहुंचकर माता पार्वती ने एक बार पुनः तप शुरू किया। उन्होंने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास करते हुए पूजन शुरू किया। भगवान शिव इस तप से प्रसन्न हुए और मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। इस बीच माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय भी वहां पहुंच गए। वे सत्य बात जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से कराने के लिए राजी हो गए। शिव इस कथा में बताते हैं कि बाद में विधि विधान के साथ उनका पार्वती के साथ विवाह हुआ। शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। अतः आप भी इस व्रत को पूरे विधि विधान से कर माता पार्वती की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।